चैनल कुकिंग हब। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हरे चने से बनने वाली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। आई होप आपने मेरी पहले वाली हरे चने के अप्पे वाली रेसिपी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, तो अभी जाकर देखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर देना। तो फ्रेंड्स, हरे चने हमारे सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। आयरन हमारे खून को कभी भी कम नहीं होने देता, एंड सेकेंड जो विटामिन ई है वो हमारे आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, ये आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो हरे चने के ये जो कबाब है वो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बोल हरे चने लिए हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर एक बोल ब्रेड क्रम्स लिए हैं, सेम अमाउंट होगा हरे चनों जितना। फिर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हरे मिर्ची अदरक का पेस्ट लिया, आधा नींबू का रस लेंगे, और हम यहाँ पर धनिया लेंगे फ्रेश एक बोल जितना, और हम थोड़े से तिल लेंगे और थोड़ा सा नमक लेंगे स्वाद अनुसार। तो अब हमें सबसे पहले हमारा मिक्सर जार ले लेना है, उसमें हमारे जो हरे चने हैं वो ऐड कर लेंगे, उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें जो चने हैं उन्हें एकदम बारीक नहीं करना है पेस्ट, हमें इनको थोड़ा दरदरा पीसना है। तो चलिए हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा हरे चने का दरदरा पेस्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का है कि इसमें थोड़े बहुत दाने भी दिखते हैं, चलता है, बट ये एकदम फाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो चने का पीसा हुआ मिक्सचर है वो इसमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे कोर्सली ग्राइंड किया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसमें हमारे हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब हम यहाँ वाइट तिल डाल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं फॉर अ गुड टेस्ट। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे ताकि ये सब आपस में अच्छी तरीके से मिल जाए। तो अब हम इन्हें मिक्स कर चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हम अपनी नीड के हिसाब से इसमें ऐड करते जाएंगे। हमें थोड़े थोड़े करके ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करने हैं और इसे मिक्स करना है, और इसका एक डो यानी आटा जैसा बनाना है। तो आप इसे हाथ से इस तरह से मिक्स करते रहिए, मिलाते रहिए, ताकि इसका एक आटा जैसा जो है फॉर्म बन जाए। तो दोस्तों, हरा चना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इस टाइम वो अवेलेबल होता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए। हमने हरे चने से और रेसिपी भी डाली है, एंड और रेसिपी डालेंगे भी। सो अगर आपने नहीं देखी हो तो आप आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, एंड आप वो रेसिपी देख सकते हैं। ये दोनों ही रेसिपीज बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड बच्चों को खिलाने का बेस्ट तरीका है, क्योंकि आजकल बच्चों को भी हरे चने नहीं पसंद। हम इसमें से थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, एंड ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, एंड इसे मिला लेंगे। हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ब्रेड क्रम्स डालने हैं, इसमें कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। जब तक आपका आटा जैसा नहीं बनता, आप इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाते जाइए, क्योंकि अगर ये गीला हुआ, मतलब अगर ये टाइट नहीं हुआ, तो हमारे जो फिर कबाब है वो अच्छी तरीके से सिकेंगे नहीं, इसीलिए। तो देखिए, हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल लिए हैं, अब हम इसे फाइनली मिक्स कर रहे हैं। अब ये आटा जैसा डो बनकर तैयार है। तो देखिए, अब हम इसे बस रख देंगे और हमारी टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमें हमारे जो हाथ है उस पर ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा, ताकि जब हम इसे एक बार फाइनल टच दे तो हमारे हाथ में जो ऑयल हो तो उससे ये हमारे हाथ पर स्टिक ना हो, और हम इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से मसल कर रख सके। तो बस हमारा डो तैयार है, चलिए अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो डो है वो एकदम प्रॉपरली रेडी है, तो लेट्स मेक द कबाब नाउ। तो हमने यहाँ पर डो ले लिया है, अब हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसे इस तरीके से गोल करेंगे, एंड फिर उसको प्रेस कर देंगे, क्योंकि कबाब ज़्यादा मोटे हुए तो अच्छे तरीके से शैलो फ्राई नहीं होंगे, इसलिए हमें उसे ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो देखिए, इसी तरह हम सभी कबाब जो है वो बना लेंगे। पतले बनाइए, ज़्यादा मोटे मत बनाइए। तो देखिए, हमने सभी कबाब इसी तरह बना लिए हैं, अब हम इन्हें इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमें हमारा पैन जो है उसे गैस या इंडक्शन पर रख देना है, उसमें ऑयल डाल देंगे। हमें जो हमारे कबाब है उन्हें शैलो फ्राई करना है,
तो हमें थोड़ा ही ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने तक हम वेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें हमारे कबाब प्लेस कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से पैन को हैंडल की मदद से हिलाते रहिए, डायरेक्टली इन्हें बाद में हिलाइएगा। ओके, सो इन्हें थोड़ा पकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका हमने पलट दिया है, इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है इसीलिए। तो अब हम दूसरी साइड से इन्हें पकने देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे अभी पक रहे हैं, इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो बनकर तैयार है कबाब। सो हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे। अब हम और कबाब प्लेस कर देंगे, पहले 2 कबाब हमारे हुए नहीं थे, अब ये भी हो चुके हैं, सो हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप सभी कबाब बना लीजिए। इसमें हम और कबाब ऐड कर देंगे एंड इन्हें हम सेक लेंगे। तो देखिए, इसी तरह हमने और भी कबाब जो है वो बना लिए हैं, उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, टेस्टी यमी हरे भरे कबाब बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितने मस्त लग रहे हैं। चलिए मैं आपको एक कबाब जो है वो तोड़कर बताती हूँ। आप देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, इनका टेक्सचर अंदर से इतना क्लियर है। आप इन्हें सॉस में जो है वो डिप करिए और फिर इसे खाइए और इसका आनंद उठाइए। आप इसे चाय के साथ भी गर्मा गर्म खा सकते हैं एज अ टी टाइम स्नैक, या आप स्टार्टर की तरह आप इसे अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी रेसिपी बन के तैयार है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डू कमेंट योर रिव्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।